बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान इस साल अपनी आखिरी फिल्म डंकी से एक बार फिर से फैंस को भरपूर इंटरटेन कराने वाले हैं। जी हां, बता दें कि पठान और जवान के बाद इस साल शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म डंकी से सबको इंटरटेन करेंगे। बता दें कि डंकी का ऑफिशियल टीजर यानी कि डंकी ड्रॉप 1 को कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया था, जिसे लोगों से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और इस फिल्म में शाहरुख खान अपनी पिछली दोनों फिल्मों से लुक वाइज बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान अहाटी के किरदार में नजर आएंगे, जो पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं फिल्म में शाहरुख खान लीड स्टार के रूप में नजर आने वाले हैं। साथ ही इनके अलावा फिल्म में तापसी पन्नू, बेकी कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर भी नजर आने वाले हैं। वहीं अब इस फिल्म से एक और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जी हां, बता दें कि बहुत जल्द इस फिल्म से एक सॉन्ग रिलीज होने वाली है, जिस सॉन्ग का टाइटल लुटपुट बताया जा रहा है। खबरें की माने तो इस सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने अपनी शानदार आवाज दी है। वहीं इस गाने को कोरियोग्राफ गणेश आचार्य ने किया है। बता दें कि इस गाने में पहली बार तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी नजर आएंगे। बता दें कि इस फिल्म को बॉलीवुड के फेमस फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्में बनाई हैं। वहीं हिरानी ने आमिर खान के साथ थ्री इडियट और PK जैसी जबरदस्त फिल्में बनाई हैं। तो रणबीर कपूर के साथ संजय दत्त की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड फिल्म संजू को बनाया है और ये सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि शाहरुख खान के साथ डंकी बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाती है। वो इस डंकी की इस गाने को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें बता सकते हैं। बॉलीवुड न्यूज़, गॉसिप और फिल्म रिव्यू से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।